मुंबई पोलिसांवरती बिहार पोलीस महासंचालकांनी प्रचंड संताप व्यक्त केलाय. मुंबई पोलिसांची पाठराखण करणाऱ्यांनी गेल्या 50 दिवसात मुंबई पोलिसांनी काय तपास केला ते सांगावं असा सवाल त्यांनी विचारलाय. बिहारचे गृह सचिव राज्याच्या गृह सचिवांना फोन करतायत पण त्यांचा फोनच उचलला जात नाही असा आरोपही त्यांनी केलाय. आमच्या आयपीएस अधिकाऱ्याला क्वारंटाईन केल्याने देशात मुंबई पोलिसांविषयी चुकीचा संदेश जात असल्याचं वक्तव्य महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी केलंय. कि किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को. जनता जानना चाहती है क्या हुआ, क्या रहस्य है, क्या जांच किया मुंबई पुलिस ने, तो जनता को बताइए. अब सुशांत के पिता को बताइए, उसके परिजनों को बताइए. आप तो कुछ बता ही नहीं रहे. हमारे लोग जा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं. गृह सचिव, यहाँ के गृह सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो गृह सचिव बिहार का फोन गृह सचिव महाराष्ट्र नहीं उठा रहे हैं. तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल आपने बंद कर दिया है. तो पूरी देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं रही है. सब कोई समझ रहे हैं इस बात को और इसीलिए सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. तो ये जिम्मेवारी उन पर है कि लोगों के मन में जो संदेह है उसको क्लियर करें. अपने एक्शन से करना होगा. राष्ट्र में, पूरे देश में गुस्सा है और हमको इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि हमारे एक आईपीएस ऑफिसर गया और उसको आपने क्वारंटीन कर दिया जबरदस्ती. हमारे ही चार और ऑफिसर गए थे 5 ही दिन पहले, उनको क्वारंटीन नहीं क्यों किया. और रोज हजारों आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, कितने को आप क्वारंटीन कर रहे हैं? केवल इसी को क्वारंटीन करने के लिए आपका नियम कानून आ गया और उसमें एग्जेम्पशन देने का प्रावधान है आप ही के कानून में, आपने क्यों नहीं दिया? एक अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत करना तो देश में मैसेज क्या जा रहा है कि आप नहीं करने देना चाह रहे हैं? तो मैसेज बहुत खराब जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए.